सो हे गाइस, वेलकम बैक टू यूर आर वर्ल्ड। सो गाइस, आज आप मेरे सामने देख रही हैं एक वॉशिंग मशीन है, सेमी ऑटोमेटिक एलजी की मशीन है, 6.5 kg की। और ये इसके सामने एक वॉश मोटर है, इसकी एक फुक चुकी थी, ख़राब हो गई थी। इसके अंदर आवाज़ ऐसी आ रही थी, एक साइड तो इसकी चल रही थी ये मोटर, ठीक है, और एक साइड ही चल नहीं रही थी, जाम होकर आवाज़ आ रही थी, घूम घूम करके आवाज़ आ रही थी। तो इसके हमने मोटर को रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि वो हमारी जो मोटर थी वो गारंटी में थी, तो हम इसको चेंज करके लेके आए हैं। तो इसको किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे आज हम इस वीडियो में ये देखने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले गाइस हमें ये इसमें लगाने पड़ेंगे, इसके अंदर ये स्टैंड है जिससे ये अच्छे से फिट हो जाता है। तो एक करके लगाएंगे, एक यहाँ पे लगेगा, एक यहाँ और एक यहाँ पे, ठीक है। तो गाइस इसे पेचकस की हेल्प से हम इस तरीके से इसे फंसा देंगे ऐसे करके, और ये इजीली इसमें चला जाएगा। उसको इसे प्रेस कर देंगे, फिर उसको राउंड दे देंगे, ये अच्छे से लग चुका है। तो गाइस हमने तीनों इसकी रबड़ें जो लगा ली है, ये इसलिए होती है गाइस, ये ना जैसे कि हम इसको रखते हैं ना, तो ये इसका एक मान लो मोटर जैसे चलती हिलती है, तो इसका एक तरीके से स्प्रिंग का काम करते हैं इसको ना, ज़्यादा स्टेबल रखते हैं, ज़्यादा हिलने नहीं देते उधर, जिससे हमारा जो मोटर है वो स्मूथ चले, ठीक है। तो गाइस इसके हम इसके ऊपर अभी चक लगाने वाले हैं, कि लगाना बहुत ईजी है गाइस। जैसे कि आपको देख रहे हैं इस तरीके से, आपको यहाँ पे गैप एक तरीके से चेंजेस दिखेंगे इसमें यहाँ पे, और आपको जो ये पेच है ना, ये वाला जो पेच है, ये आपको इसी एरिया पे लेना है इस तरीके से, वैसे इसको इस तरीके से लेना है और प्लस कर देना है, और यहाँ पे आपको दिख भी जाएगा। उसको कसना है हमने एलकी से, और ये हमने एलकी का सेट कल ही नया परचेज किया है। अगर आपको एलकी का सेट लेना है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। इस तरीके से इसको लगा के और इससे हम कस देंगे अच्छे से, और टाइट कसना है, क्योंकि सारा का सारा लोड इसी के ऊपर आएगा जो कपड़े वॉश होंगे, ठीक है। गाइस हमें मोटर को वहाँ इंस्टॉल करना है, जैसे कि आपको ये दिख रहा है इस तरीके से, यहाँ पे इसका ही पेच लगेगा, और यहाँ लगेगा, और एक इधर को यहाँ लगेगा। तो हम इसको यहाँ पे लगेंगे, उस मोटर को मैंने मशीन को पहले ही ओपन करके रखा हुआ है, इसको हम इस तरीके से यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पर मोटर को लगाते हैं। तो गाइस हमने इसको उठा लिया मशीन को इस तरीके से, और अब इसको यहाँ पर ला के आराम से ध्यान से और केयरिंग से इसको यहाँ पर पहले से अंदर डाल लेते हैं। तो गाइस ये देखिए गाइस, हमारी मोटर अच्छे से रख चुके हैं यहाँ पे, ठीक है गाइस। ये हमारी इसकी वायरिंग आ गई है, ये गाइस इसके पेच हम यहाँ पे लगा देते हैं, एक एक करके यहाँ लगे, एक यहाँ लगेगा और एक इसके पीछे, मैंने अभी आपको दिखाया ना। तो गाइस हमने मोटर को यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है, और इसकी अभी जो ये बेल्ट है, ये बेल्ट चढ़ाएंगे किस तरीके से, जो मैं इसकी बेल्ट चढ़ाऊंगा वो भी आपको दिखाऊंगा। और सबसे पहले गाइस हम इसकी टेस्टिंग करेंगे, और इसकी जो वायर है वो कैसे लगानी है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इस वायरिंग बताता हूँ और किस तरीके से इसकी टेस्टिंग होगी वो सब आपके सामने करेंगे, ठीक है। गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये तीन वायर हैं, और ये देखो कलर कोडिंग देख लीजिए, वाइट में वाइट लग जाएगी। इसमें मैंने कट किया था पहले, तो इसकी तरह कोडिंग करके भी किया था, जैसे वाइट यहाँ लग जाएगी, येलो यहाँ लग जाएगी, और रेड वाली यहाँ लग जाएगी। जैसे कि स्टार्टिंग में नहीं पता लगता कि कौन सी रनिंग है, कौन सी स्टार्टिंग है, कौन सी कॉमन है, तो गाइस इस तरीके से आप कट करके भी जा सकते हैं। और जैसे कि आप इसकी वायरिंग देख लीजिए, एक ही कलर की वायरिंग है, कोई इसमें कलर कोडिंग नहीं है। तो हमें कैसे पता लगाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ये गाइस, ये कैपेसिटर की वायर आ रही है, ये यहाँ लग रही है, एक यहाँ पे इसी में लग रही है, और कैपेसिटर की वायर दूसरी यहाँ लग रही है, और ये जो सिंगल वायर आपको दिख रही है ये वाइट, ये वाली जो कॉमन वायर है, जो गाइस यहाँ पे सब में, इसमें हमने न्यूट्रल कनेक्ट कर रखा है, और ये सब में एक ही लगती है, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं, मल्टीमीटर से भी आप पता लगा सकते हैं, बहुत सारे तरीके जिससे आपको रनिंग स्टार्टिंग कॉमन कौन कौन सी वायर है आपको बहुत अच्छे से पता लग जाएगा। तो और इस तरीके से भी आप, जैसे कि आप किसी की नई जगह पे जाते हो और इस तरीके से अगर आप कट करके जाएंगे वायर को, तो आपको जल्दी आसानी होगी काम करने में, आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है गाइस। तो इसको सबसे पहले इसकी वायरिंग करते हैं फटाफट। येलो वाली जो वायर थी उसके हम यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से, उसके अभी हम टेपिंग नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसकी एक बार टेस्टिंग करेंगे, पहले इसको चेक करेंगे सही से कि सही से काम कर रही है नहीं कर रही है, कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत है जो भी है इसमें देखेंगे, ठीक है। तो गाइस हमारी सारी वायरिंग हो गई है, ठीक है, हमने वायरिंग कर ली है। एक बार हम इसको टेस्टिंग करेंगे, चला के देखेंगे मोटर को कैसे वर्क कर रही है कैसे नहीं, ठीक है। से कर दिया इसमें इसको ऑन, ठीक है, और ये देखिएगा इसमें करंट ऑन लग गया है। उसको चला के देखते हैं, तो गाइस देखिए मोटर अच्छे से वर्क कर रही है, ये दोनों साइड घूम रही है गाइस, देखिए हमारे कनेक्शन भी गाइस ठीक हो गए हैं। और चेक करते हैं इसमें करंट तो नहीं आ रहा है मोटर के अंदर, अर्थिंग तो नहीं आ रही कहीं से भी,
तो गाइस अभी हमने चेक किया क्योंकि ना इसके अंदर ना जो जब इस मोटर को चला रहे हैं ना ऑन उससे सीधा डायरेक्ट, तो हमारी मोटर में भी हल्का हल्का ना करंट शो हो रहा है। और इसके हमने चेक करने के बाद पता लगा हमारा इसका कैपेसिटर ही खराब है। तो इसके अंदर गाइस हम नया कैपेसिटर लगाएंगे, ये रहा वो नया कैपेसिटर, ठीक है गाइस। अब ये नया कैपेसिटर लगाएंगे और गाइस आप इसकी हालत देख सकते हैं पहले से कैसा हो चुका है कितने साल से, क्योंकि जब से ये मशीन लिए ना गाइस इसी में यही वाला कैपेसिटर है, तो इसी की वजह से इसमें करंट भी शो हो रहा था। तो इसको हम चेंज करके एक नया कैपेसिटर लगा देते हैं गाइस। तो और उसके बाद मोटर हमारी मशीन बिल्कुल ओके हो चुकी है, और जो हमारी जो पहले वाली मोटर फूकी थी गाइस वो भी इस कैपेसिटर की वजह से फूकी थी, तो इसलिए हम इस कैपेसिटर को भी चेंज कर देते हैं, ठीक है गाइस। सबसे पहले हम इसकी रनिंग स्टार्टिंग वायर जोड़ लेते हैं मोटर के अंदर से, इधर डायरेक्ट हम इसमें जोड़ देंगे कैपेसिटर के अंदर। इसमें हमने रनिंग स्टार्टिंग कॉम जोड़ दिया गाइस, ठीक है गाइस। और हमारी कॉमन तो सही है, इसमें कॉमन को हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम सिर्फ इस कैपेसिटर ही बदल रहे हैं। तो कैपेसिटर के कनेक्शन मैंने आपको बताई थी, ये जो वायर है इसको यहाँ से इसकी एक्स्ट्रा वायर निकाल के सीधा का सीधा हम इसको इसी में ही कनेक्ट कर देते हैं गाइस, ठीक है गाइस। तो गाइस हमारे कनेक्शन इसके हो गए हैं, तो इसको हम पहले टेपिंग कर देते हैं यहाँ से सबसे पहले, ठीक है गाइस। और टेप ध्यान से करना है क्योंकि हल किसी भी लीकेज, क्योंकि आपको पता है मशीन में हो जाते कहीं ना कहीं, और पानी लगते ही इसमें पटाखा बज जाएगा। तो गाइस ये है हमारी जो स्पिन मोटर है उसके जो कैपेसिटर के कनेक्शन है ये मैंने ओपन कर दिए हैं। अब क्या करेंगे गाइस, ये इसकी हमारी कैपेसिटर की वायर है, ये हम इसको रिमूव कर देंगे यहाँ से, और इसकी जगह हम ये वायर जोड़ देंगे उसको, फिर इसका टेपिंग कर देंगे। इस तरीके से हमारे कनेक्शन पूरे गाइस डन हो जाएंगे। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, ये हमें ज्वाइन करनी है और ये वाली हमें निकालनी है, ठीक है गाइस। और हम इसको अब टेपिंग करते हैं, अब आपको दिखाते हैं। और ये रहा हमारा पुराना कैपेसिटर, मैं इसको निकाल ली देता हूँ, ये हमने पूरा निकाल दिया है, ये पूरा खराब हो चुका था, इसकी वजह से हमारी जो मोटर है वो खराब हुई है। इसको फेंक दो यहाँ से बाहर, यहाँ से फटाफट इसकी गाइस टेपिंग कर देते हैं। और हमारे कनेक्शन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, और उसके बाद हम इसको टेस्ट करेंगे और इसकी बेल्ट चढ़ाएंगे किस तरीके से हम इसकी बेल्ट को चढ़ाते हैं। हम थोड़ी सी ड्रेसिंग कर देते हैं, थोड़ा सा इसको सेट करके लगा लेते हैं इसकी वायरिंग वगैरह को, ठीक है। और इसकी कैपेसिटर को हम यहाँ पे रख देंगे, इस तरीके से डाल देते हैं क्योंकि इसकी वायर थोड़ी छोटी हो गई है, पहले वाली की वायर ज़्यादा थी। इस तरीके से इसको हम लगा देंगे जिससे हमारे को सेफली रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम इसे सेट कर देंगे, इसके वायर नीचे नहीं रहना चाहिए कोई भी। और अब इसको हम टेस्ट करेंगे, चला के देखते हैं इसकी मोटर को चलती है किस तरीके से। तो सबसे पहले हम इसको चलाते हैं वॉश मोटर को, ये वॉश मोटर चल रही है, ये चलाते हैं इसकी स्पिन मोटर, इसकी स्पिन मोटर भी चल चुकी है। अब मैं इसकी इसके ऊपर बेल्ट चढ़ाते हैं इसकी गाइस, इसका हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, इसकी बेल्ट कैसे चढ़ाई जाएगी मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस अब इसकी हम इसकी बेल्ट को चढ़ाएंगे, किस तरीके की इसकी बेल्ट है। सबसे पहले हम इसके जो बेल्ट है जो इसका गियर बॉक्स लगा होता है, गियर बॉक्स पे बेल्ट चढ़ा लेते हैं। चलिए गियर बॉक्स पे जैसे बेल्ट चढ़ जाएगी तो हमारे इसके जो मोटर की चक है इसके ऊपर ऐसे लेके हम आराम से धीरे धीरे इसको टर्न करते रहेंगे, और ये हमारी मोटर इस तरीके से हमारी बेल्ट इजीली चढ़ जाएगी बिना किसी प्रॉब्लम के। चढ़ाना भी ऐसे ही गाइस और निकालना भी ऐसी है। निकालने का तरीका गाइस इसमें ऐसे है, इसको यहाँ पे पेचकस फंसाना है और इसी तरीके से राउंड राउंड कराना है ऐसे ऐसे करते करते, और इस तरीके से गाइस उतर जाती है और इसी तरीके से गाइस चढ़ जाएगी। यहाँ पे हल्का सा फंसा के उसको ट्विस्ट करते रहेंगे और चढ़ गई, ठीक है गाइस। सो गाइस हमारे सारे कनेक्शन हो चुके हैं, मोटर को हमने इंस्टॉल कर दिया, बेल्ट भी चढ़ा दिया। तो गाइस अब इसको चला के देखते हैं, ऐसे बटन को करते हैं ऑन और इसको यहाँ से घुमाते हैं, देखिए गाइस हमारा पल्सेटर घूमने घूम चुका है अच्छे से। उसका स्पिन मोटर भी चला के देखते कैसे चल रहा है, नहीं चल रहा है, ये भी मैंने ऑन कर दिया यहाँ से। आई होप आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और मिलते हैं कैसे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय।